Hey guys, Assalamualaikum, welcome back with another video. मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं Active Hirak Channel. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में. तो एक मिनट के अंदर मैं आपको सारे कंसेप्ट बताता हूँ, तो मेरा काउंटडाउन शुरू होता है अब. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फोन स्टोरेज से रिलेटेड. तो आप लोगों के साथ ये बहुत बार हो चुका है कि आपके फोन में बहुत ना मूवीज होती है ना कुछ ज्यादा कोई ऐप इंस्टॉल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका फोन स्टोरेज जो होता है वो हमेशा ऑलमोस्ट फुल हो जाता है. और यहाँ पर आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर आप कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको एरर शो होगा, और जो ऐप्स पहले से मौजूद होते हैं उसमें कुछ हैंग होने लगता है फोन, वो ऐप बराबर काम नहीं करता. तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारी कुछ चीजें मैं बात करने वाला हूँ इन डिटेल. तो बिना टाइम इसके इस वीडियो को स्टार्ट करूँ. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ चुका अपने फोन की स्क्रीन पर. यहाँ से मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ. तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ जो मेरा नोटिफिकेशन पैनल पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट का ऑप्शन आ रहा है, ये रिमूव भी नहीं हो रहा है. अभी मैं इसका सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ. तो जो बेसिकली मेरा फ़ोन जो पहले से ऑलरेडी रूटेड है, अगर आपको रूट के बारे में सीखना तो आप YouTube पर दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने मैजेस्टिक मैनेजर के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से इंस्टॉल करना है, आप वाला वीडियो जाके देख सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं ऐप यूज़ करने वाला हूँ, इस ऐप का नाम है SD Mad Pro. तो बेसिकली इसका फ्री वर्जन जो है वो गूगल प्ले स्टोर भी है, जो इसका प्रो वर्जन भी गूगल प्ले पे भी है, लेकिन जो फ्री वर्जन है उसके अंदर आपको इतने सारे एडवांटेज या फिर उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली, जिसके लिए मैं प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ. आप प्रो वर्जन बाय भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रो वर्जन मोड APK यूज़ कर रहा हूँ. अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वो ज्वाइन होइए. वहाँ मैं आपको उस ऐप की लिंक शेयर कर दूंगा. यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़. तो दोस्तों जैसे ही आपको ये ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सिर्फ इस ऐप को ओपन कर लेना है. जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा SD Mad Pro. बस आपको सिंपली यहाँ पर स्कैन वाली बटन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप स्कैन वाली बटन पर क्लिक करेंगे जब सेटअप मांग रहा है, नेक्स्ट करते चले जाना. आपको सिंपली इसको अलाउ करना पड़ेगा. जब इसको अलाउ कर लीजिए, वापस मैंने बोल रहा है स्टोरेज की परमिशन मांग रहा है, नेक्स्ट करके इसको अलाउ कर लेना है. फिर इसको वापस से SD कार्ड की परमिशन है वो अलाउ करना पड़ेगा आपको, इसको नेक्स्ट कर दीजिए. वापस यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, अलाउ सिंपली अलाउ करके चले आने. सिंपली इस पर क्लिक करना है SD Mad पे, यहाँ पर इसको अलाउ कर लेना है. करना है बैक कि यहाँ पर जो आपकी सारी परमिशन थी वो अलाउ हो चुकी है. अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ कि इसका जो क्या बोलते हैं रूट जो एक्सेस है वो ग्रांट हुआ है कि नहीं. तो जो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड में जो सारे प्रोसेस चेक कर रहा है कि भाई आपके इसमें कितनी फाइल्स जो है वो अनवांटेड है, इसको रिमूव करना है कि नहीं करना है, तो सारी कुछ चीज़ें आपको शो होगी. तो सिंपली मैं इसको रन ना करने से पहले मैं आपको चलता हूँ एक बार लेके मैजेस्टिक मैनेजर में कि यहाँ पर मेरा जो गूगल रूट की वजह से जो रूट है उसका एक्सेस मिला है कि नहीं. जैसे मैं इस पर क्लिक करके अपना सुपर शो यूज़र पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सुपर गया. तो यहाँ पर आप जैसे जो मेरे जो SD Mad है उस पर अनटिक है, तो सिंपली मैं इसको टिक करके इसको अलाउ कर दूंगा. जैसे ही अलाउ हो जाएगा मैं सिंपली इसको क्लोज करूँगा, वापस जाऊँगा SD Mad Pro पर और उसको जो रन आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.3 GB आपके पास अनवांटेड फाइल्स थी जो आप रिमूव नहीं कर सकते थे. लेकिन आपको सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो सिस्टम क्लीनर वगैरह जो भी आपको सब कुछ दिखा दिया गया है, पर आपको सिंपली रन नाउ पर क्लिक करना है. और आपको कंफर्मेशन मांगा है कि आपको पक्का एक चीज़ करनी है, तो आपको सिंपली रन नाउ पर क्लिक करना है, आपको सारी फाइल्स डिलीट हो रन पे क्लिक कर देना है. जैसे ही यहाँ पर आप रन पे क्लिक कर दें तो आपके फ़ोन से जितनी भी अनवांटेड या फिर बेकार जो कैचेस फाइल रहेगी वो सारी डिलीट होना चालू हो चुकी है. तो आपको कुछ इस अंदाज में देखने को मिल जाएगा. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारी फाइल्स थी वो बाकायदा कितनी जो MBs की थी वो सब कुछ डिलीट हो चुकी है. यहाँ पर आप देख सकते जो आपको ऊपर जो ऑप्शन आ रहा था स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट का, वो यहाँ पर से रिमूव भी हो चुका है. और आपका फ़ोन से जो वो
अनवांटेड फाइल्स थी वो सारी चीज़ें रिमूव भी हो चुकी है। आई होप आपको इस ऐप की मदद से बहुत कुछ एडवांटेज मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ विदाउट रूट भी आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में अनवांटेड फाइल्स वगैरह है कि नहीं।